टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के वर्ली इलाके में निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट गिरने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। यह हादसा कल शाम 5:45 पर वर्ली के हनुमान गली BDD चौल के पास हुआ। चश्मदीदों के अनुसार इमारत की 19वीं मंजिल पर काम चल रहा था और तभी जोरदार आवाज आई। छत पर काम कर रहे लोग जब नीचे आकर देखे तो लिफ्ट टूटकर गिरने की वजह से इसमें 6 लोग जमीन पर गिरे हुए थे, जिसके बाद लोगों ने 100 नंबर को फोन करके इसकी जानकारी दी। एम्बुलेंस को बुलाया और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। रेस्क्यू करके 6 लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार घायलों में से एक को परेल के केम अस्पताल में मृत घोषित किया गया था, जबकि नायर अस्पताल में 3 लोगों की जान चली गई थी और एक शख्स की जान रात के समय इलाज के दौरान चली गई। वहीं 6 लोगों में से एक शख्स की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और मृतकों की संख्या इस तरह से बढ़कर 5 हो गई है। वहीं चश्मदीद की माने तो सुरक्षा उपकरणों को लेकर सुपरवाइजर से भी कई बार शिकायत की गई थी, मगर इसके बाद भी ध्यान नहीं दिया गया और आखिरकार कल शाम के वक्त लिफ्ट टूट कर गिरी, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। इस हादसे को लेकर आदित्य ठाकरे ने भी कहा है कि पहली नज़र में लग रहा है कि लिफ्ट ओवरलोडिंग की वजह से गिरी है, ऐसी आशंका आदित्य ठाकरे ने जताई है। बहरहाल कल शाम में हुए इस हादसे में अब तक 5 लोगों की जान चली गई है, वहीं एक व्यक्ति की हालात गंभीर बताई जा रही है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।